शिमला में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब हिंदू संगठनों की अपील पर इतने लोग एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ जुटे हों। एक तरफ हैं प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ हेलमेट लगाए पुलिस वाले और दोनों में हो रही है जबरदस्त धक्का मुक्की। अवैध निर्माण बताई जा रही मस्जिद शिमला के संजौली इलाके में है। कई हिंदू संगठनों ने इसके कंस्ट्रक्शन पर रोक की मांग को लेकर प्रदर्शन की कॉल दी थी। सोशल मीडिया के जरिए ये अपील की गई थी। मकसद था संजौली मार्च, यानी उस जगह तक पहुंचना जहां मस्जिद का निर्माण चल रहा है। पुलिस ने एहतियातन सुबह 7 बजे से ही धारा 163 लागू कर दी थी। 5 लोगों के ज्यादा के जुटने पर पाबंदी लगा दी। चप्पे चप्पे पर पहरा था। पुरानी ढली टनल बंद कर दी गई थी। यहाँ भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई, लेकिन जब भीड़ जुटनी शुरू हुई तो सारे इंतजाम फेल होते दिखाई दिए। तमाम सुरक्षा नाकेबंदी और प्रतिबंधों को धता बताकर प्रदर्शनकारी ढली इलाके तक पहुंच गए। इसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की गई। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आपे से बाहर थे। मामला न्यायिक मामला नहीं है, यह अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जो प्रवासी आते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। मस्जिद तोड़ने का काम कानून का दायरे में होगा, कानून ही तय करेगा। शिमला के इस प्रदर्शन की तस्वीरें देश भर में सुर्खियां बन गई। तमाम टीवी कैमरे इस पर टिके थे। पूरा देश इस प्रदर्शन को देख रहा था। वो मैटर सब जुडिस है, फिर उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्यवाही होगी। कानून के प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है, अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि समस्या का समाधान जल्दी से हो सके। और जिस तरह से सरकार दबाव डाल करके सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है वो उचित नहीं होगा। एक तरफ ये सियासी वार पलटवार चल रहा था तो दूसरी तरफ प्रदर्शन। देखते ही देखते शिमला से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया, कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। उधर शिमला की सड़कों पर भीड़ को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल होता गया। उसे बार बार लाठी चार्ज करना पड़ा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.